वही मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में लोगों द्वारा सड़कों पर खुलेआम शराब पीने की लगातार शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देर रात छापेमारी की। बता दें कि जिले के पौश इलाके कलेक्ट्रेट रोड, न्यू सिटी सेंटर और सिरोल के रहवासियों ने पुलिस से शिकायत की थी कि इन इलाकों में रात के वक्त सड़कों के किनारे युवा युवतियों कारों में बैठकर शराब पीते हैं और कई जगह पर खुलेआम शराबखोरी भी हो रही है। कार्रवाई के दौरान उन्हें कलेक्ट्रेट रोड पर सड़क किनारे दर्जनों कारें खड़ी मिली। वही जब पुलिस की महिला विंग ने इन कारों की तलाशी ली तो इनमें युवा और युवतियां शराब पीते नजर पाए गए, जिसके चलते डीएसपी और सीएसपी ने युवतियों को समझाइश देकर रवाना किया और शराब पीने वाले युवकों को जमकर फटकार लगाई और उनसे उठक बैठक लगवाकर घर की ओर रवाना किया। जी, हमको शराब पीते हुए मिले लोग गाड़ियों के अंदर बैठकर, सड़क के किनारे जो गाड़ियां दिखती हैं अक्सर उसमें बैठे कुछ लोग शराब पीते हुए मिले, और कुछ लोग जो आसपास चाय की दुकानें हैं वहां पर साइड में अव्यवस्थित रूप से गाड़ियां खड़े किए हुए थे और अनावश्यक झुंड लगाए हुए थे, तो सभी को हमने समझाइश देकर रवाना किया। आज ही अपना कलेक्ट्रेट रोड पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन शिकायतें मिल रही थी कि रोड किनारे जो चाय की टपरी वगैरह है वहाँ पे काफी लड़के खड़े रहते हैं, अनावश्यक खड़े रहते हैं और गाड़ियाँ भी खड़ी करते हैं। उसी के संबंध में आज भ्रमण किया गया सीएसपी यूनिवर्सिटी, टीआई यूनिवर्सिटी और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और लोगों को समझाइश दी गई है और ये जो गाड़ियाँ खड़ी थी उनको रवाना किया गया और ऐसा भविष्य में ना हो इसके लिए समझाइश भी दी गई।